पीछे गाड़ी रुक गई, हो गया हमारी दूरी में आगे जा, आगे जा, आगे जा। जिलानी बोले फटाफट 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 उपा अमन भैया अरे यार भाई थोड़ा भाई पीछे चलो बेटा थोड़ा पीछे दब जाओ नहीं जल्दी दे यार दब जाओ अंदर मुर्दाबाद 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 तीन तलाक मुर्दाबाद मुर्दाबाद तीन तलाक मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारे तकबीर अल्लाह नाकाम बना दे तो अकल दे के इसको वापस ले ले अकल दे के इसको वापस ले तक जाएंगे आज हमने अपना इत्तेजाद की इब्तिदा कर दी है इनसे भी गुजारिश करेंगे कि हम अमन सलामती वाले हैं हमने सलामती फैलाई हम भी आज अमन सलामती के साथ सिर्फ इमाम लोग हैं हमने बुलाया पूरे मुंबई के उलमा को नहीं बुलाया सिर्फ मोहल्ले के ये मौलाना और बाद हजरात हैं कि जो इत्तेजाद कर रहे हैं और हमारी गुजारिश है कि आज हुकूमत इस बात पर गौर करे महाराष्ट्र हुकूमत मरकजी हुकूमत को भी भेजे और आज ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा एहतजाज कामयाब करे हम हिंदुस्तान के आइन का एहतराम करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में कुरान और हदीस और शरीयत अहम है हम कल भी शरीयत को मानते थे आज भी मानते हैं हम पुलिस इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बहरहाल उन्होंने हमारा साथ देते हुए हमारी गिरफ्तारी तो की लेकिन ख्वाजा के नाम पर उन्होंने छोड़ भी दिया इसलिए छोड़ दिया कि हमारा एहतजाज कल भी सही था आज भी सही है मौला हम सबका इत्तेहाद कायम रखे मीडिया वाले भी जो आए इन सबको भी सही बात आवाम तक पहुंचाने की तौफीक अल्लाह फरमाए।